नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुदेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज बात करेंगे पब्लिक की, जो कि सब कुछ जानती है। भारत में एक सर्वे किया गया है जिसमें लोगों के वोट करने के पैटर्न को लेकर कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। भारत के करीब 86% लोग ये मानते हैं कि भारत में मतदान करना अनिवार्य कर देना चाहिए। एक पब्लिक ऐप के जरिए करीब 4 लाख लोगों के ऊपर ये सर्वे किया गया, उनकी राय ली गई है और इनमें से करीब 81% लोगों का ये मानना है कि वो मौजूदा मतदान प्रणाली से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और ये मानते हैं कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। आपको बता दें कि इस सर्वे में शामिल किए गए कुल लोगों में से 60% लोगों की उम्र 30 साल से कम है। इस सर्वे में सामने आया है कि नागरिक कर्तव्य के रूप में मतदान नागरिकों द्वारा सामाजिक विकास के लिए एक बड़ा योगदान है। ये सर्वेक्षण मतदाताओं का रुख तय करने वाले अहम पैरामीटर्स पर रोशनी डालता है। इस सर्वे के मुताबिक 34% मतदाता ऐसे हैं जो वोट देने से पहले उम्मीदवार के पिछले कार्यकाल के कामकाज पर गौर फरमाते हैं। 31% ऐसे मतदाता हैं जो चुनाव लड़ने वाले तमाम प्रत्याशियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं फिर वोट करते हैं। सर्वेक्षण में ये भी सामने आया है कि 4.96% ऐसे भी मतदाता हैं जो कि इस बात को महत्व देते हैं कि जो उम्मीदवार है वो लोकप्रिय कितना है। वहीं 11.92% ऐसे भी मतदाता हैं जो इस बात को महत्व देते हैं कि उम्मीदवार कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखता है। देश में कई मतदाता ऐसे भी हैं जो अपने मत अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं, यानी कि वोट नहीं करते हैं। अब वोट न करने के पीछे लोग क्या दलील देते हैं ये आपको बताते हैं। 30.04% प्रतिभागियों ने कहा कि शहर से बाहर होने के कारण वो वोट नहीं देते। 56.3% लोगों ने कहा कि उन्होंने मतदान का एक भी मौका नहीं गवाया है। 79.5% प्रतिभागियों ने माना कि उन्होंने जीवन में कम से कम एक बार मतदान जरूर किया है। 5.22% प्रतिभागियों ने चुनाव की जानकारी न होने की बात कही। 7.19% ने किसी भी दल का समर्थन न करने के चलते मतदान के लिए न जाने की बात कही, तो 1.27% प्रतिभागियों ने जवाब में आलस्य या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा विकल्प ही चुना। देश के आधे से ज्यादा शहरी भारतीयों की राजनीति को लेकर एक तरफा ही सोच है। यूगव, मिंट और सीआरपी मिलेनियल के संयुक्त सर्वे में ये सामने आया है कि अर्बन इंडियंस का पार्टी की सत्तावादी प्रवृत्तियों की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि इस वक्त समाज में एक पोलराइज्ड दृष्टिकोण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आधे से ज्यादा शहरी भारतीय, यानी कि करीब 58% भारतीय अपनी पसंदीदा पार्टी की तरफ मजबूत या फिर मध्य पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण प्रदर्शित करते दिखाई दिए। वहीं 42% शहरी भारतीयों ने कमजोर समर्थन देने की बात कही। तो 4 अहम सवालों को लेकर लोगों से उनकी राय मांगी गई थी, जिसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। ये 4 सवाल कौन से थे आपको बताते हैं। पहला सवाल ये था कि जब भी कोई पार्टी की आलोचना करता है तो वो उन्हें व्यक्तिगत आलोचना लगती है। दूसरा सवाल ये था कि जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो पार्टी का समर्थन करता है तो वो उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तीसरा सवाल ये था कि जब वो पार्टी के बारे में बात करते हैं तो उसे मेरी पार्टी कहकर संदर्भित करते हैं। चौथा सवाल ये था कि जब कोई पार्टी की प्रशंसा करता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इस सर्वे में करीब 206 शहरों के 12,900 लोगों को शामिल किया गया था। तो इस सर्वे से बहुत सारी अंडरलाइन चीजें भी निकल कर सामने आई हैं, जो कि बहुत दिलचस्प है। जैसे कि 41% लोग ये मानते हैं कि जब भी वो अपनी पसंदीदा पार्टी के बारे में बात करते हैं तो वो उसे मेरी पार्टी कहकर ही संदर्भित करते हैं। 47% मतदाता ऐसे थे जो ये कहते थे कि उनको पार्टी की प्रशंसा सुनकर बहुत अच्छा लगता है। 28% ऐसे भी लोग थे जो ये मानते हैं कि अगर पार्टी की आलोचना होती है तो वो उन्हें व्यक्तिगत आलोचना लगती है। इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से हमने इन समर्थकों को 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया है। इसमें से 37% मजबूत समर्थक, 21% मध्य और 42% कमजोर समर्थक। कमजोर समर्थकों में वो लोग भी शामिल हैं जो कि अपने आप को सीधे तौर पर किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। ये तमाम डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो डेटा है वो राजनीतिक पार्टियों को भी अपने वोटर्स को समझने का एक अच्छा मौका देगा। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।
नमस्कार।